नमस्कार मैं हूं निवेदिता आर्थिक मंदी किसान विरोधी नीतियां महिलाओं के खिलाफ हिंसा बेरोजगारी और संविधान पर हमले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रैली क्या निकाली मानो इसी दिन से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा मचना शुरू हो गया 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जिसे भारत बचाओ रैली का नाम दिया गया जबकि लोगों ने इसे राहुल गांधी की री लॉन्चिंग के रूप में लिया बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार ठहराया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और लखनऊ के नदवा कॉलेज समेत देश भर में हिंसक प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की शनिवार को ही री लॉन्चिंग के लिए रैली हुई थी और अगले ही दिन हिंसा भड़क गई विपक्ष जिम्मेदार बर्ताव नहीं कर रहा है सीएए पर पर को निशाने पर लेते हुए पात्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अपने अपने को मुस्लिम वोट बैंक के लिए उतारा है ओवैसी देश में नए जिन्ना के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी प्रतिस्पर्धा में खान है वो दिल्ली का जिन्ना बनना चाहते हैं फिर पात्रा ने जस्टिस बोबड़े

एक्ट किस में किसी भी भारतीय का कोई लेना देना नहीं है किसी अधिकार का हनन नहीं होता है स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को समझते हैं लेकिन उन्हें भड़का कर कौन मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है? पात्रा ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा हो जाती है। इसके पीछे साफ पर का हाथ है ऐसा बीजेपी का कहना है बता दें कि शनिवार को हुई रैली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे देश के कोने कोने से लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे इसे भारत बचाओ अभियान का नाम जरूर दिया गया लेकिन ये कांग्रेस विरोधियों ने इसे राहुल गांधी की री लॉन्चिंग करार दिया और बीजेपी के मुताबिक इसी अभियान की वजह से दिल्ली के जामिया में छात्र भड़क गए हैं इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के मुताबिक कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ जरूर है आने के पश्चात भी मुझे याद है ओवेसी जी इत्यादि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर रहे थे कि आई वॉन्ट माई मस्जिद इसको भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ रहे थे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि हर विषय में हिंदू मुसलमान करना ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक में जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यह गैर संवैधानिक है और इसमें आप कानून बनाइए उस विषय पे भी जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे वी कंडेम दिस अटेम्प्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू मिसलीड द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड टू बाईफर्केट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ हिंदू एंड मुसलमान बंधुगण स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक के जिस प्रकार से उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की साजिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो हम कल से दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं आज लखनऊ में भी हमने देखा कुछ दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है ये स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं दे नो दैट एज फार एज सी ए कंसर्न जहां तक सी ए बी और उसके पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विषय है इस एक्ट में किसी भी हिंदुस्तान नागरिक का चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या किसी भी जाति किसी भी जनजाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो उसका कोई अधिकार का हनन नहीं होता है उसके किसी राइट या प्रिविलेज को यह सरकार नहीं छीनती है यह सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं इतना तो वो समझते हैं मगर इन स्टूडेंट को भड़का कौन रहा है इन स्टूडेंट को एक राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कौन करना चाहता है स्वाभाविक है वी ऑल नो आंसर देर आर पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री देर आर पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री ट द स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री फॉर दर ओन पेटी पॉलिटिकल बेनिफिट बंधुगण ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आप याद करिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इन शाह इनशाला अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं जब इस प्रकार के बगावती तेवर हमने कुछ वर्षों पहले जेएनयू में सुने थे तो जेएनयू में स्वयं राहुल गांधी गए थे इस प्रकार के बगावती स्लोगनियरिंग का सपोर्ट करने के लिए खुद राहुल गांधी गए थे कराज साहब गए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है सीताराम यचुरी गए थे ये दी राजा गए थे ये सारे लोग वहां मौजूद थे जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ये सारे लोग उस समय जे में भी मौजूद थे और आज उसी प्रकार से भारत के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने का काम पुनः ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं शनिवार को सैटरडे को राहुल गांधी जी ने रैली किया था लोग कह रहे हैं वो फिर से लॉन्च होना चाहते हैं वो कोई री लॉन्चिंग रैली थी उनकी ऐसा क्यों है कि शनिवार को राहुल गांधी पुनः लॉन्च होने की कोशिश करते हैं उनको लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है और रविवार से ही देश में आर्जनी लॉन्च हो जाता है रविवार से ही देश में नफरत शुरू हो जाती है नो यू हैव टू अंडरस्टैंड देर इज अस दिस वुड बी टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस You can see a concerted effort by the Congress party as to how they're conspiring for their petty political benefits. We had Rahul Gandhi on Saturday instigating people in the Ramlila Maidan that Mr. Modi's government is trying to differentiate between the Hindus and the Muslims. And then from Sunday, we see the kind of scenes that, in fact, no one would like to see on the streets of any civilized nation. This is all the conspiracy. ऑफ कांग्रेस एंड सर्टन अदर ऑपोजिशन पार्टीज बंधुगण मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है परहेज भी नहीं है यह सच्चाई है कि आज सारी पोलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है जिन्होंने सीएबी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है बिना किसी तथ्य के वो लोग अपने अपने जिन्ना को उन्होंने छोड़ दिया है सब डिविजिव फोर्सेज को देव अनलिस्ट द डिविजिव फोर्सेज हर विषय पे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना है ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे हिंदुस्तान का जिन्ना होगा तो मैं दिल्ली का जिन्ना बनूंगा मैं आम आदमी पार्टी का जिन्ना बनूंगा किस प्रकार से doing, अटैच the MLA of Delhi. ममता बनर्जी तो उन्होंने कहा है मैं तो किसी को हायर नहीं करूंगी मैं स्वयं ही तोड़फोड़ कर दूंगी सभी जाति धर्म के नाम पे मैं स्वयं बंगाल को बांट दूंगी मुझे तो समझ में नहीं आता है ममता बनर्जी आप याद करिए चंद दिनों पहले उनका एक वक्तव्य था कि जो बंगाल में रहेगा उसको बंगाली ही कहना पड़ेगा यहां हिंदी चौलबे ना आपको याद होगा आज उन्होंने पूरी भाषण हिंदी में क्यों दिया कलकत्ता में खड़े होकर आज पूरा भाषण उन्होंने हिंदी में क्यों दिया इसके पीछे क्या है क्या कारण है चंद दिनों पहले वो कह रही थी कि मैं किसी को हिंदी बोलने नहीं दूंगी और जो बंगाल में रहेगा वो केवल बंगाली बोलेगा आज हिंदी में देकर पूरे देश में एक उन्माद की स्थिति को स्थापित करने की जो कोशिश कर रही हैं ममता जी आखिर क्यों कर रही हैं आई एल टेल यू द रीजन दी इज ऑल ऑपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज जो तुष्टिकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं दे हैव ओपन द पेंडोराज बॉक्स ऑफ साइनिंग इन द टेंडर ऑफ द मुस्लिम वोट्स कि ये मुस्लिम वोट का टेंडर खुला है कौन इस मुस्लिम वोट के टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेगा इसी कारण से चंद दिनों पहले चंदोले जी को किस प्रकार की भाषा के साथ ममता जी उनके खिलाफ बोल रही थी आपने देखा है अ कॉम्पिटिशन इन द नेम ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म देर इज कंपटीशन ऑफ अपीजमेंट ये जो अपीजमेंट की कॉम्पिटिशन है इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अपने राजनीति के कारण ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जिस बिल में और अब जो कानून बन गया है जिसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है जिसमें ना तो किसी हिंदू का ना किसी मुसलमान का जो हिंदुस्तान का है उसका कोई अधिकार हनन नहीं होगा यह अधिकार देने का कानून है उसमें जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है यह निंदनीय है अभी हमने पुलिस के पीसी को भी सुना है पुलिस के पीआरओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इतनी जल्दी पुलिस के हर विषय पर राजनीति करना यह भी उचित नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये स्टूडेंट के बिहाफ में गए थे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया है उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखना हम सबका फर्ज है और आप स्टूडेंट हो सकते हैं ये ये मेरा नहीं है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है आप स्टूडेंट हो सकते हैं किंतु आपका यह अधिकार नहीं है कि आप शांति को तोड़े आपका यह अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला करें यह आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है इसलिए मुझे लगता है आज दो लोगों से हम सबको सीख लेनी चाहिए आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स के माध्यम से जिस प्रकार से कहा है कि वेल well, यस yes, डिसेंट डिबेट डिस्कशंस मे बी पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आर अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रहता बट उसके नाम पर आप आर्जनी करें उसके नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वंस करें उसके नाम पर आग लगाए कॉमन आदमी को आप मुश्किल में डालें यह उचित नहीं है यह नहीं होना चाहिए और मोदी जी के इस आह्वान को हम सबको सुनना चाहिए वी शुड ऑल हीड टू दाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी शुड ऑल हीड To the advice of the Chief Justice of India, who has said that whoever we might be, we have no business and no right to play with fire, to in fact play with the public properties, to destroy the public peace.